हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि आप सब लोगों को कि आपके पीएम किसान का पैसा आप क्यों नहीं आ रहा है। आखिर क्या गलती हो गई जिसके कारण पीएम के किसान पैसा नहीं आ रहा है? तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप पीएम किसान साइट को ओपन करेंगे तो हम पीएम किसान की मुख्य वेबसाइट पर आ जाते हैं। पीएम किसान की साइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से यदि रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और कैप्चा डाल के गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डाटा आ जाएगा। अगर ना रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो तो यहाँ पर लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना आधार या मोबाइल नंबर किसी से कभी डाटा डालकर कैप्चा डालकर ओटीपी पर जाएगी। ओटीपी को फिल करके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। ठीक इस तरह से आपका यहाँ नाम शो हो जाएगा, यहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। आप तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टेटस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड ऐसे है कि नहीं है, आपकी केवाईसी हुई है कि नहीं हुई है, आपके खाते में आधार फीड है कि नहीं फीड है। आप यहाँ से सब कुछ चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर ये सब ठीक है तो आपका पैसा आ रहा है, 100% आ रहा है। लेकिन किस खाते में आ रहा है इसको जानकारी आप देखनी होगी। यहाँ नीचे देख लीजिए, आपको यहाँ दिखा है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, जो हाल ताज में आपका पैसा आया होगा वो किस खाते में आया हुआ है वो बताएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका पैसा देख लीजिए आया है ब्राह्मी किस्त आई हुई है बैंक ऑफ बड़ौदे में, जिसका अकाउंट नंबर ये है। इनकी टोटल 12 किस्त आई हुई है। तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा किस खाते में आया हुई है और आपकी क्या गलती है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी क्रॉस है, यहाँ पर जैसे यस लिखा हुआ है, अगर यहाँ नो लिखा है और रेट क्रॉस हो जाता है तो इसका मतलब है वही गलती है। अगर आधार में वाले में नो दिखा रहा है तो आप यहाँ पे अपने खाते में आधार को लिंक करवा लें। और यहाँ पर अगर ईकेवाईसी स्टेटस नो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर स्टेटस केवाईसी करवा लें सीएससी पर जाकर। और यहाँ खतौनी अगर नहीं दिखाई दे रहे तो आप अपने ब्लॉक नज़दीकी ब्लॉक में जाकर वहाँ पर खतौनी को ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारी जानकारी? अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।